आसानी से अनलोड कर लिए हैं, थोड़ा सा इन्होंने पहुँच गया यार ये हमारे ही ना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार सीन कुछ ऐसे है कि कल जो हमने जानवर देखे थे, कल तो हमारा इनके साथ सौदा नहीं हो सका, एक ये वाला जानवर था और एक ये वाला जानवर था। लेकिन भाई सुबह हम लोग गए हैं, व्लॉग नहीं मैं बना सका सुबह टाइम, लेकिन यार अब हम व्लॉग कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो हम जानवर घर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और पेमेंट शेमेंट हो गई है, वो देखें चाचू वगैरह बैठे हैं, मनान आया हमारे साथ और अब्दुल्ला भाई आए हैं, ये दोनों लड़ रहे थे आपस में कि मैंने जाना, तो मैं इन दोनों को ले आया हूँ माशाल्लाह। हम यानी कि चार या पाँच तो हो गए, हम लोग आसानी से इन्हें ले जाएंगे, शाज और के अंदर डालेंगे इन दोनों जानवरों को और इंशाल्लाह इन्हें घर ले जा कर बांधेंगे। बहुत ही गुस्से वाला लग रहा है, तो भाई जाके देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ। वो वाला तो शरीफ है, ये वाला शरीफ आदमी है, वो वाला शैतान है, वो मेरे ख्याल से हमें तंग कर सकता है, लेकिन यार उसका भी इंतजाम कर लेंगे, कोई इशू नहीं। एक बार इसे घर लेके जाते हैं ना, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। अभी तो हाफिज़ भाई गए हैं शाज़ और लेने के लिए, वो लेके आएगा तब हम इन्हें इंशाल्लाह लोड करेंगे और अपने घर ले जाके इन्हें बांधेंगे। तो दरमियान में देखते हैं, हमें तंगी ना करें, शुक्र दुआ करें यार ये कि आसानी से ये लोड हो जाए और हम इन्हें ले जाकर आसानी से अनलोड कर लें, क्योंकि यार ये जब तंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, और ये ना हो कि हमारा जानवर यानी कि कोई मुश्किल पेश आए, तो हम इसे पहले लेके जाते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह हमारी सवारी आ चुकी है, तो हमने दोनों जानवरों को किले से निकलवा लिया और हम लेके जा रहे हैं इन्हें सवारी की तरफ, तो वहाँ पे हम इन्हें लोड करेंगे और इंशाल्लाह घर जाके मैं खुद आपका भाई खुद इन्हें अनलोड करेगा और इनके जगह पे इन्हें बांधेगा इंशाल्लाह। मनान और बाकी सारे भाई आ रहे हैं हमारे साथ और देखते हैं क्या बनता है, तो इंशाल्लाह ले जा के इन्हें अभी लोड करते हैं। वो पाँव खुद उठा रहा है यार ये हमारे ही ना, आराम से यार उसे चढ़ा ही नहीं जा रहा, वो डाला ऊपर है और जानवर हमारा नीचे है, ज्यादा नीचे है, सही इतना से उसे ऊपर ही नहीं होया जा रहा, वो देखो यार साठ ही ना लागे। शुक्र है एक चढ़ गया, दूसरे वाले की बारी है यार, ये तो गुस्से वाला है, तो देखें क्या बनता है। अब्दुल्ला यार ये तंगी ना करे, ये गुस्से वाला है थोड़ा सा और शरारती भी है, मारने वाला है, देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद है कि यार ये भी आराम से चढ़ जाएगा, तंग ना करे, क्योंकि पहले भी एक जानवर और जगह भी कम है, तो घर जाके हम दोनों मैं और अब्दुल्ला उतारेंगे। यार ये तो आराम से चढ़ गया अब्दुल्ला, दूसरे वाले ने तंग किया लेकिन ये आराम से चढ़ गया, मेरे ख्याल से इसने चढ़ते हुए उसे देख लिया, तो इसे पता चल गया कि यार यहाँ भी जाना है। ये देखिए माशाल्लाह हाफिज़ भाई वीडियो बना रहे हैं, ये तो दोस्तों जानवर हमारे घर आ चुके हैं, ये देखिए गाड़ी हमने यहाँ पे लगवा दी है गैराज के सामने, तो हम अब जानवर उतारने लगे हैं। हाफिज़ भाई यहाँ से जगह बना रहे हैं ताकि ये नीचे छलांग वगैरह लगाएं तो ये फिर स्लिप ना हो जाए। तो मनान ये पकड़ो, मैं जाके इन्हें खोलता हूँ। दूजा भी ला लिये ना लिये दे। दूसरा भी उतारने, चलो बोलो बोलो जल्दी करो। इधर आ जाए, इधर आ जाए।
फिसली यार। चलो 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 नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जानवर आसानी से अनलोड कर लिए। थोड़ा सा इन्होंने तंग किया, ब्लैक वाले ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हमें तंग करना है, तो वैसे ही उसने किया। रेड वाला तो आसानी से उतर गया था, लेकिन ब्लैक वाले ने बहुत तंग किया हमें। फिलहाल इसकी हम रस्सी ढीली करने लगे थोड़ी सी, ताकि ये आसानी से पानी वगैरह पी ले और दाना वगैरह खा ले। जी बस ये थोड़ी सी ढीली हुई है ना, आसानी से ये खा भी लेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से अनलोड कर लिए, थोड़ा सा इन्होंने तंग किया, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर हैं दोनों ही। ये वाला रेड वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, और ये वाला शैतान तो तंग कर रहा है हमें सुबह से। सुबह भी ये तंग कर रहा था, अभी भी ये तंग कर रहा है। आपने देखा जैसा कि इसे अनलोड किया, इसने बहुत ज़्यादा तंग किया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जानवर हमारे घर आ चुके हैं। हमने इन्हें बैकयार्ड पे बांधा हुआ है, यहाँ पे हमने टेंट सेंट लगवा लिए, ताकि यार इन्हें गर्मी वगैरह ज़्यादा ना लगे। टेंट लग गए हैं भाई इनकी खिदमत के लिए। यहाँ पे मनान भाई ने पंखा लगा दिया है, और सारा इजी सीन है यहाँ। इनको चारा वगैरह लेके सनी भाई ने डाला अभी थोड़ी देर पहले, तो सनी भाई अब खुद अपना चारा खा रहे हैं। सनी भाई क्या खा रहे हो? रोटी खिलाई थी, खा ली थी इसने, सही हो गया, तो वही रोटी खा रहा है इसकी जूठी। तो सनी भाई जानवर की जूठी रोटी खा रहे हैं, अब देखते हैं सनी भाई बच पाते हैं कि नहीं। तो हमारे जानवर माशाल्लाह आ चुके हैं। यार ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है, ये देखिए यार ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल ये आसानी से ज़िबा भी हो जाएगा, लेकिन यार ये वाला इंतहाई शरीफ आदमी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है, ये भी थोड़ा थोड़ा सा तंग कर रहा है, लेकिन जब हम इसे अंदर लेके आए थे ना, तो ये इजीली आ गया था। वो थोड़ा सा ज़्यादा उसने तंग किया था, लेकिन ये वाला इजीली आ गया था। ये देखें सनी से रोटी खिला रहा है माशाल्लाह, वो सनी से उसने खा लिया है, सनी को उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सनी 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 भाग गया यहाँ से। सनी भैया आपके लिए चैलेंज है, आपने रोटी इस वाले को खिलानी है, ब्लैक वाले को खिला दे कुछ नहीं होता, नहीं फेंकनी नहीं है, खिलानी है। चलो रहने दे, अभी मारा मुरा जाएगा, हम पे इसका इल्ज़ाम लग जाना कि वाहद ने इसे आगे किया था, तो सनी भाई ने रोने लग जाना कि वाहद भाई ने आगे किया था, इसी वजह से सनी भाई का हमने चैलेंज कैंसिल कर दिया। तो ये देखे कहाँ आके बैठा, चल 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 छापे छापे छोड़ जा। वो देखो सनी गया उसके पास रोटी डालने के लिए। सनी ध्यान से यार, ये मारे ना तुझे, सनी खा गया? हाँ खा रहा खा रहा। सनी ऐसे इसके साथ तेरी ना दोस्ती हो जाएगी, तो जब दोस्ती होगी ना, तो मेरी इसके साथ दोस्ती करवा दी, हम दोनों इसे बाहर लेके जाएंगे, ठीक है? मैं खुद लेके जाऊंगा, तूने नहीं लेके जाना, मैं लेके जाऊंगा। ऐवी खोल देना तूने, तू बोला रेड वाला पकड़ ली, रेड वाला तू पकड़ ली, और ब्लैक वाला मैं पकड़ लूंगा, ठीक है? चलो उसे रोटी खिला के दिखा। ये देखे ये आसानी से खा लेता सनी से, चलो ठीक हो गया। तो दोस्तों हमारी कुर्बानी के जानवर आ चुके हैं, दो बड़े जानवर आ चुके हैं, और अब एक बकरे का इंतज़ार है। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि यार आपका भाई फुल थक गया, तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।